नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल अपने विचार सांझे किए। मोदी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी दी सिख्यावां ते आदर्शां ने विश्व के हर कोने विच वसे लोगों पर गहरा असर छड्डिया है। अज हर घर पिंड ते देश दे हर हिस्से विचों स्वच्छता की कहानी सुनन नूं मिल रही है, जिसका सेहरा सारे भारतीयों नूं जांदा है। हरियाणा विच मनोहर लाल खट्टर दूजी वार मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। जन नायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। भारतीय जनता पार्टी के सबका सूबा प्रधान कमल शर्मा का फिरोजपुर विच दिल का दौरा पैण कारण देहांत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 550वें प्रकाश पुरब के सांझे जश्न मनाने लई आई खड़ोत नूं तोड़न वास्ते नवे फार्मूले का प्रस्ताव पेश किया। भारत के सात्विक रेड्डी ते चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट के डबल्स मुकाबले के फाइनल च पहुंचे। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिख्यावां ते आदर्शां ने विश्व के हर कोने विच वसे लोगों ते गहरा असर छड्डिया है। गुरु जी ने सेवा नूं हमेशा सब तो वड्डी पहल दित्ती। गुरु नानक देव जी मानते सन कि बिना किसी स्वार्थ नाल कीते गए सेवा कारजां दी कोई कीमत नहीं हो सकती। श्री गुरु नानक देव जी छूआछूत वर्गियां समाजिक बुराइयां विरुद्ध मजबूती नाल खड़े होए। अज आकाशवाणी तो अपने मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु जी दीआं धार्मिक यात्रावां उन्हां नूं उदासी कहा जांदा है, जिस दौरान वह सद्भावना ते बराबरी का सुनेहा लैके देश तो इलावा विदेशों के वख-वख हिस्सों विच गए। अपने समय विच ओ सब तो वध यात्रा करन वाले सन। प्रधानमंत्री ने कामना की कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पुरब सानू सारिआं नूं उन्हां दे विचारां ते आदर्शां नूं अपने जीवन विच अपनाउण लई होर भी ज़्यादा प्रेरणा देण। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली दी शुभकामनावां दिंदिया एक श्लोक का जिक्र किया, जिस विच कहा गया है कि प्रकाश जीवन विच सुख सेहत ते खुशहाली लैके आउंदा है, जो माड़ी सोच का नाश करके सानू सदबुद्धि वल रस्ता विखाउंदा है। उन्होंने कहा कि फैसटिवल सैर सपाटे की एक वक्री ही खिच हुंदी है ते साडा देश भारत त्यौहारां दा देश है, जिस विच फैसटिवल सैर सपाटे दीआं अपार संभावनावां ने। उन्होंने कहा कि दिवाली होवे, होली होवे जां कोई भी त्यौहार होवे, अजिहे त्यौहारां दीआं खुशियां विच दूजे राज्यां ते दूजे देशां दे लोकां नूं भी शामिल करिए। भारत विच त्यौहारां सैर सपाटा वधाउण विच देश दे बाहर रहिंदे भारतीयां दी भूमिका भी बहुत अहम है। जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है, जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्बुद्धि दिखाता है। ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें, पॉजिटिविटी का प्रसार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 31 अक्तूबर नूं देश नूं एकता दे सूत्र विच परोण वाले महानायक लोह पुरश सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उन्होंने देश दे पहले गृहमंत्री दे तौर ते रियासतां नूं एक करन विच बड़ा औखा ते इतिहासक काम किया। मोदी ने कहा कि सरदार साहब की याद विच बनिया स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व तो सब तो उच्चा बुत है, जो हर भारती लई बड़े माण की गल है। उन्होंने दस्या कि एक साल विच 26 लख तो वधेरे सैलानी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखण लई आए। मोदी ने कहा कि 31 नूं हर वार की तरह इस बार भी एकता की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिस विच समाज के हर वर्ग नाल संबंधित लोग शामिल होणगे। उन्हां कहा कि एकता की दौड़ विच इस गल का प्रतीक है कि भारत एक है ते एक दिशा वल चल रहा है ते अपने एक टीचे नूं हासिल करना चाहुंदा है। ये टीचा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। हर हिंदुस्तानी का सिर शान से ऊंचा उठ जाता है। आपको खुशी होगी, एक वर्ष में 26 लाख से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे। इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन औसतन
8,500 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता का दर्शन किया। मोदी ने कहा कि 31 अक्तूबर नूं ही देश की साबका प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। देश नूं एक बहुत वड्डा सदमा लगा। उन्होंने इंदिरा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज घर घर की जे कोई कहानी दूर तक सुनाई दिंदी है तो किसी पिंड की या देश के हर कोने तो सुनाई दिंदी है। वह स्वच्छता की कहानी है। हर व्यक्ति नूं, हर परिवार नूं, हर पिंड नूं स्वच्छता के संबंध में अपने तजर्बे सांझे करन दा मन करता है, क्योंकि स्वच्छता का यह यतन 125 करोड़ भारतीयों का यतन है ते स्वच्छता के नतीजों के मालिक भी भारत वासी ही हैं। मोदी ने कहा कि इस संबंध में कई ने उन्होंने विचार सांझे किए हैं ते उन्होंने सियाचिन बारे भी एक विचार मन की बात राही देशवासियों नाल सांझा कीता। घर घर की अगर कोई एक कहानी सब दूर सुनाई देती है, हर गांव की कोई एक कहानी सुनाई देती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हिंदुस्तान के हर कोने से एक कहानी सुनाई देती है, तो वो है स्वच्छता की। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर गांव को स्वच्छता के संबंध में अपने सुखद अनुभव कहने का मन करता है। मोदी ने कहा कि न्यायपालिका का मान सम्मान बने रहना चाहिए है तो अदालत वालों दिए गए किसी भी फैसले को लेकर बिना वजह हो हल्ला करने की बजाय संजम तो काम लेना चाहिए है। उन्होंने कहा कि एकता की आवाज़ देश को ताकत देती है। उन्होंने त्यौहारों समय खरीदारी करने वाले स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को पहल देने लिए भी कहा। दिवाली के मौके प्रधानमंत्री ने महिला शक्ति को नमन किया। हरियाणा विच मनोहर लाल खट्टर हुण तो थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ विच होण वाले सहुं चुक समागम दौरान दूजी वार मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकणगे, पर इस वार वह गठजोड़ वाली सरकार की अगवाई करनगे। जननायक जनता पार्टी के मुखी दुशंत चौटाला उप मुख्यमंत्री वजो सहुं चुकणगे। सहुं चुक समागम दोपहर 1:15 बजे रख्या गया है। हरियाणा विच भाजपा जननायक जनता पार्टी और आजाद विधानकारां दे सहयोग नाल सरकार बना रही है। इस दौरान कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ते JJP दे गठबंधन नूं बेमेल गठजोड़ करार दिता है। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा विच भारतीय जनता पार्टी ते जननायक जनता पार्टी की सांझी सरकार बनन ते खुशी का प्रगटावा किया है। अज पिंड बादल विच दूरदर्शन के नुमाइंदे जसविंदर सिंह बिट्टा नाल गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा विच भाजपा नाल भावें अकाली दल का गठजोड़ नहीं सी, पर इस बार सेहत ना ठीक होण कारण विधानसभा चोणां दौरान वह किसी भी पार्टी लई चोण प्रचार नहीं कर पाए। बादल ने कहा कि कई बार राजनीतिक हालात अजिहे बनते हैं कि आगुआं नूं समीकरण बदलने पैंदे ने। उन्हां दुशंत चौटाला नूं टैलीफोन ते मुबारकबाद भी दित्ती। बादल ने कहा कि जे चौटाला परिवार अपने राजनीतिक मतभेद भुला के इकट्ठे हो जाण तां इह सोने ते सुहागे वर्गी गल होवेगी। सीनियर BJP नेता ते पंजाब यूनिट दे साबका प्रधान कमल शर्मा दा अज सवेरे फिरोजपुर विच दिल दा दौरा पैण नाल देहांत हो गया है। खबरां विच दस्या गया है कि वह अपने घर दे सामने पार्क विच सैर कर रहे सन जद उन्हां नूं तकलीफ महसूस हुई। कमल शर्मा नूं लुधियाणा दे हस्पताल ले जाया गया जिथे उन्हां दा देहांत हो गया। कमल शर्मा 1985 तो 2003 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाल जुड़े रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के कौमी कार्यकारिणी के मैंबर भी सन। 2013 विच उन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी पंजाब का प्रधान नियुक्त किया गया सी। कमल शर्मा पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सियासी सलाहकार वजो भी सेवा निभा चुके ने। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब के जशन सांझे तौर पर मनाने लई आई खड़ोत नूं तोड़न लई एक होर पहल करदिया पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश किया कि श्रोमणी कमेटी 12 नवंबर नूं सूबा सरकार वल्लों करवाए जाण वाले समागम विच शामिल होवे, जिस विच देश दे राष्ट्रपति शमूलीयत कर रहे हन, जदों कि 11 नवंबर नूं होण वाला समागम श्रोमणी कमेटी की कमान हेठ होवे, जिस विच देश दे गृह मंत्री दे शामिल होण दी संभावना है। यह सुझाव मुख्यमंत्री ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल नाल होई एक मीटिंग दौरान दिता। उधर श्रोमणी कमेटी वालों अमृतसर तो जारी बयान विच कहा गया है कि भाई लौंगोवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंथ दे सांझे समागम विच शामिल होण दी अपील करदिआं कहा कि मुख समागम श्री अकाल तख्त साहिब दी सरप्रस्ती विच होवेगा। भारत के सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट में डबल्स मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। बीती रात पेरिस में खेडे गए सैमीफाइनल मुकाबले में भारत की इस जोड़ी ने जापान के हिरोयुकी एंडो और यूता वातनवे 21-11, 25-23 शिकस्त दी। यह मुकाबला 56 मिनट चलिया। फाइनल में सात्विक ते चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मार्क्स ते कैविन नाल होवेगा। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरें एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल अपने विचार सांझे किए।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਤਵਿਕ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।